शहरातील गोल्डफिंच पेठ येथे असलेल्या हजरत पीर अब्दुल्ला खान साहिब दरगाह शरीफ यांचा 495 उर्स शरीफ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी हजरत पीर अब्दुल्ला खान साहिब दरगाह शरीफचे मुजावर अब्दुल सत्तार, शकील मो लवी, परवेज जमादार, मुस्ताक मुर्शद, हुसैन साहब रजवी, इम्तियाज पठान आदि मान्यवर उपस्थित होते. चादर पेश किया गया है, फूल पेश किया गया है, माले घुमाला, कुरान पाक की चंद आयतें पड़ी गई है. या अल्लाह, रोजताज पढ़ा गया है, तमाम पढ़ने पढ़ाने में, हम सब के तमाम पढ़ने पढ़ाने में कोई किस्म की जेर जबरों में नुकते में गलती को माफ फरमा होना, और जो सही से पढ़ा गया या अल्लाह तेरे भागा में कबूल फरमा. हम सब के आका मौला रहमत लिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम. ये हजरत हमारे पीर अब्दुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह दरगाह शरीफ का इनका उर्स शरीफ है. ये 425वां उर्स शरीफ है. ये हजरत पीर अब्दुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह यमन के रहने वाले हैं, और उन्हें यहाँ पर किले के सिपे सालार और सालाबाद खान बाबा, जावेद खान बाबा और अब्दुल्ला खान बाबा, ये तीन एक साथ मिलकर आए, और उनकी असली नूरी किया, यानी कि उनकी वफात होने के बाद यहीं पर उनको मिल गया. तकत मिलने के बाद उनको यहीं पर एक 425वां उर्स शरीफ है. और इसी उर्स शरीफ में हम एक कोरोना के वजह से थोड़ा सा मुख्तसर में यहाँ पर संदर चढ़ाकर यहीं पर फातिहा खानी करके मर यहीं पर ख़त्म कर दिया. और बाबा के उर्स शरीफ में क्या बोले, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए. हज़रत अब्दुल खान साहब रहमतुल्लाह का 425वां उर्स है. अल्लाह पाक हम तमामों को इन्हीं अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलने तौफीक अता फरमाए, और पूरे दुनिया से बदअकीदे को अल्लाह ताला खात्मा अता फरमाए, और आशिक़ आला हज़रत की ज़िंदगी गुज़र तौफीक अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम.